ऋषिकेश में राफ्टिंग के दौरान यूपी के श्रम मंत्री शाहिद मंजूर की बेटी आदिबा गंगा नदी में डूब गई। फूलचट्टी में राफ्टिंग के दौरान हुआ हादसा। हैदराबाद में दोस्ती की फाइट में एक नाबालिग की मौत, परिवार ने लगाया हत्या का आरोप। हादसा 3 मई का है, इस हादसे को मोबाइल में कैद कर लिया गया था। मुंबई के पृथ्वी थिएटर में शशि कपूर का केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार उन्हें दिया। तबीयत खराब होने की वजह से वो दिल्ली नहीं आ सके। जनता परिवार के विलय पर बोले सपा महासचिव राम गोपाल यादव, कहा जनता परिवार के विलय में कई तकनीकी खामियां भी बाकी। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि यह गठबंधन नहीं बल्कि लठबंधन है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर राजनाथ सिंह का बड़ा बयान आया है। राम मंदिर निर्माण के कानून बनाने के प्रश्न पर बोले राजनाथ सिंह की, कहा राज्यसभा में हमारे पास बहुमत नहीं। अयोध्या में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नृत्य ज्ञान दास से भी मुलाकात की। कभी मोदी के दूर विरोधी रहे संजय जोशी, मोदी सरकार की तारीफ करते हुए नजर आए। लखनऊ में 1857 के शहीदों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। राजधानी लखनऊ में मिर्जापुर की अपना दल सांसद अनुप्रिया पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनुप्रिया पटेल ने बताया कि 2 जुलाई को सुने लाल पटेल की जयंती के मौके पर वाराणसी में एक विशाल रैली आयोजित की जाएगी। कैबिनेट मंत्री मेनका गांधी एक बार फिर विवादों में, मेनका गांधी पर एक वन कर्मी को पीटने का आरोप लगा है। कैबिनेट मंत्री नारद राय की सभा में सपा कार्यकर्ता गुंडई पर उतर आए। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सपा के खाद्य एवं ग्रामोद्योग मंत्री नारद राय को पत्र देने आए थे। बेहाल कर देने वाली गर्मी में गाजीपुर में बिजली का आंख में चौली का खेल जारी है। मुजफ्फरनगर में साप्ताहिक पेंट में दुकानदारों से अवैध वसूली की जा रही, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार तय बाजारी पूरी तरह से बंद कर चुकी है। मेरठ क्राइम ब्रांच और थाना नौचंदी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। तराई सुजौली थाना इलाके की रहने वाली एक 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी का अपने 6 अन्य दोस्तों के साथ रास्ते से अपहरण कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर सन 2013 से फरार चल रहे अल्ताफ नाम के एक शातिर अपराधी को बहराइच जिले की क्राइम ब्रांच और सुजौली थाने की पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना के मुताबिक छापेमारी कर आरोपी अपराधी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। बहराइच जिले के कैसरगंज थाना क्षेत्र में प्रेमी की शादी से इनकार करने पर प्रेमिका ने खुद को आग के हवाले कर दिया। अलीगढ़ के अथरौली तहसील में कई साल बीत जाने के बाद भी नाट्यशाला का निर्माण पूरा नहीं हो पाया है। यूपी में आम जनता की सुरक्षा की गारंटी लेने वाली पुलिस जनता की जान की दुश्मन बन गई। लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली के दरोगा कमल किशोर यादव अपनी गाड़ी से 3 बाइक सवारों को उन्होंने टक्कर मार दी। सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेशों के बावजूद रैगिंग का रोक थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला बहराइच में सामने आया, जहां दरगाह थाना इलाके में स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में जूनियर छात्रों के साथ सीनियर छात्रों ने रैगिंग की।